बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुलियात कानून से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हुजामा। हुजामा को इंग्लिश में कपिंग कहते हैं, उर्दू में सिंगियाँ लगाना कहते हैं। आजकल कुछ शौकीन मिजाज लोग हुजामा शौक के तहत करवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि ये एक तरीका इलाज है, इसमें जिस्म से मवाद को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है, जहाँ से इस मुताफन या बीमारी पैदा करने वाले मवाद को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इसलिए शौक के तहत बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए और ना ही ये सवाब का काम है। इसलिए इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका इलाज के तौर पर लेना चाहिए कि ये एक तरीका इलाज है। अब हम जिक्र करते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है। इसकी दो अकसाम हैं। एक किस्म तो ये है कि जिसमें हम कट्स लगा के, तो नश्तर के ज़रिए कट लगा के, पछने लगा कर हम उसके मवाद को कपिंग के ज़रिए जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो दूसरा तरीका है बग़ैर कट के, यानी सिंपल। तो इसमें हम कट्स नहीं लगाते, ना कोई स्टैब यूज़ करते हैं, सिर्फ सादा कपिंग करते हैं, जिससे जिस मवाद को जिस्म से खारिज करना होता है उसको मुकामी उज़्व की तरफ लेकर आते हैं और वहाँ से किसी और इस्तफराग के तरीके से हम उसको खारिज कर देते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जिन लोगों में ये कपिंग की जाती है कट्स के ज़रिए, उनमें अगर मवाद पतला है तो वो फौरी तौर पर जिस्म से खारिज हो जाता है। जिनमें गलीज या गाढ़ा मवाद होता है उनको कपिंग का एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम तरीकाकार बताते हैं कि कपिंग को लगाने से पहले, कपिंग करने से पहले उस जगह की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम उस जगह के उस हिस्से से, उस जगह से जहां पर हमने कपिंग अप्लाई करनी होती है, रेज़र के ज़रिए बालों को साफ़ करते हैं, फिर उस जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं स्प्रिट वगैरह के ज़रिए, और उसके बाद फिर स्टरलाइज्ड ब्लेड के साथ उसके ऊपर कट्स लगाए जाते हैं। कट्स भी इतने गहरे होने चाहिए कि जिल्द से नीचे चले जाएं, जिल्द से नीचे गोश्त तक चले जाएं, ताकि जो मवाद खींचा जा रहा है वो आसानी से खारिज हो सके। तो हम दूसरी किस्म में बिल्कुल सिंपल कपिंग लगाते हैं, उसमें किसी किस्म के कट्स या पछने नहीं लगाते। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ ये जिक्र करना चाहते हैं कि हजामा लगाने के फ़ायद क्या हैं, उसकी फजीलतें क्या हैं। तो आप ये बात नोट करेंगे कि हजामा हम जिस उज़्व पर लगाते हैं, जिस उज़्व को कपिंग के ज़रिए हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो जो मवाद है, जो अफूनत वाले इन्फेक्शस मटीरियल हैं, वो सिर्फ उसी जगह पर ही कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वहाँ से उनको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि दूसरे किस्म के इस्तफरागात, जैसे कै वगैरह कै करवा के हम जिस्म से मवाद को निकालते हैं, या असहाल या मोशन के ज़रिए मवाद को जिस्म से बाहर निकालते हैं, में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी रूह मुतासर होती है, यानी वो कन्वल्शंस का शिकार हो जाता है। तो हजामा में ऐसा नहीं होता, मरीज़ के अंदर कोई ऐसी परेशान कुन कैफियत पैदा नहीं होती। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि उज़्व ये आज़ाए रईसा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। दिल, दिमाग, जिगर, जो कि आज़ाए रईसा हैं, उनके फेल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालता या बीच में रुकावट नहीं बनता। तो इस हवाले से हजामा की बहुत सी फजीलतें हैं। और मैं फिर ये लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जनाब, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मर्ज़ की हालत में तरीका इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसके दूसरे हिस्से में हजामा किन अमराज में लगाया जाता है, किस मुकाम पर और किस वक़्त लगाया जाता है, और महीने की किन तारीखों में लगाया जाता है, इसका बिलखसूस जिक्र करेंगे। लेकिन ये सारी तफसील जो है हम इसको अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।